आज 3 साल के बाद में सब कुछ रिजल्ट वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं और नई नई डिमांड आ रही है, नए नए प्रेशर्स आ रहे हैं। और जो 3 साल पहले मैंने मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस और काफी टीचर्स की मदद से कुछ चीजें मैंने डिजाइन की थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस मकाम तक नहीं पहुंच पाया और लोगों में बदलाव लाने के लिए काफी इम्पैक्टफुल एक माध्यम की तलाश थी। इससे मैंने विजय ठाकुर मैडम को एक लेटर डिस्पैच किया कि मुझे कुछ बदलाव की मदद दी जाए। मुंबई पुलिस की मदद से, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की मदद से कुछ चीजें डिजाइन की और हम लोग ने एक एक चाइल्ड प्रोग्राम अरेंज किया है, जिस प्रोग्राम का नाम दिया है हम लोग ने पॉजिटिव ब्रेन प्रोग्रामिंग। और जो पॉजिटिव ब्रेन प्रोग्रामिंग है, ये अभियान सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट 300 करोड़ कंडक्ट करेगी, जिसके अंदर ब्रेन की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, लाइफ की कीमत क्या है और एक्टिंग के माध्यम से हम छोटे छोटे स्किट, छोटे छोटे डायलॉग्स के जरिए हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे, जिसमें डिप्रेशन से लड़ने के लिए जो जिंदगी की जो सच्चाइयां है उस सच्चाई से रूबरू किया जाएगा। एक वर्कशॉप होगा जो 3 महीने कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर एवरी संडे ये वर्कशॉप पेरेंट्स और टीचर्स के लिए जाएगा। और इसके लिए ब्रह्मा महानगर पालिका मुंबई पुलिस ने काफी हद तक तो मुंबई पुलिस की मदद से और डॉक्टर्स की मदद से कुछ चीज़ें हमने डिज़ाइन की है जो एवरी संडे मुंबई के मैक्सिमम स्कूल्स में कंडक्ट होने वाली है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो डायरेक्टर्स यहाँ पे आए हैं, कि अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आती है कि जो इम्प्लीमेंट्स होनी चाहिए और वो इम्प्लीमेंट्स हम स्कूल्स कॉलेज तक पहुँचाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती है, और मैं ये अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स को सिर्फ इसीलिए इन्वाइट किया हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी सोशल इशू से कनेक्टेड हो और आपके सॉल्यूशंस को हम लोग बीएमसी के डॉक्टर्स की मदद से हम ये स्कूल से पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये तो रहा चिल्ड्रन सुसाइड का पार्ट, लेकिन जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, जैसे कि मैंने सच एक मूवी बनाई, पवन जी यहाँ पे आए हुए हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस फिल्म बनाने में। इस मूवी को रिलीज करने में काफ़ी दिक्कतें आई मुझे, क्योंकि सोशल इशू पर जो फिल्में बनती है, एक तो स्क्रीन्स अवेलेबल नहीं होती है, दूसरी बात अगर स्क्रीन्स अवेलेबल हो जाती है तो ऑडियंस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। इसलिए हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे उनका सर्वे करना स्टार्ट कर दिया और अराउंड 140 से भी ज़्यादा एनजीओ से हम लोगों ने टाइप कर लिया। रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। तो आगे के लिए हमारी प्लानिंग ये है कि अगर आप सोशल इशू पर फिल्में बनाते हो तो विंग्स ऑफ बॉलीवुड इनको किसी भी प्रकार का कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए हम लोग उनका पीएनए करेंगे। पीएनए के लिए जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट से, सरकार से, कहीं ऐसे सेक्टर से अरेंज की जाएगी जो नॉन रिफंडेबल होगी, जिसका प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर फिल्म मेकर्स पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। उन तक ऑडियंस लाने के लिए स्कूल, कॉलेजेस और एनजीओ के जरिए हम उन ऑडियंस को वहाँ तक लेके आएंगे, कहा कि फिल्म मेकर का एक सपना होता है कि उनकी फिल्मों के लिए ऑडियंस क्रिएट की जाए। क्योंकि जो फिल्में ऐसी बनती हैं जिनके अंदर एक एंटरटेनमेंट पार्ट होता है, करोड़ों रुपए का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, कि जिसकी मेकिंग कॉस्ट 50 करोड़ होती है, उसके अंदर एंटरटेनमेंट होता है 50 करोड़, उसकी अराउंड मेकिंग प्रमोशन के ऊपर कॉस्ट होती है। लेकिन जो छोटी बजट की फिल्में बनती है लेकिन उसका मुद्दा बहुत बड़ा होता है, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं स्क्रीन्स और प्रमोशन के लिए। तो ये सारी जिम्मेदारी विंग्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए हम लोग काफ़ी एनजीओ से एसोसिएट करके और गवर्नमेंट के एसोसिएशन में हम लोग ने अरेंज की है। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सोशल इशू पे कोई फिल्में बना रहे हो तो आपके जो मुद्दा है, मुद्दे के अनुसार अगर आप एक बार कंसल्ट करते हो तो उसके लिए पीएनए कितना हो सकता है, कितना अरेंज होना चाहिए, आपकी मेकिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें विदाउट एनी कमर्शियल इवेंटिंग आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा अभी। पहल को लेके, इस फिल्म को लेके और इनके जो विक्रांत जी का ये जो कदम है, सराहनीय कदम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इंटायर पूरे इनके टीम को, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? सर, पहली बात तो मैं आप लोग सबका शुक्रिया करना चाहूँगा जिस तरह से आप ये इवेंट को कवर कर रहे हैं। और जैसे कि सर आपने पूछा, सर सबसे बड़ी बात इसमें जो पहल है,
ये मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हर कोई मुद्दे के बारे में सोचता और समझता नहीं है। हर एक घर का मुद्दा है। आज मे बी आई मे बी न्यू इन द इवेंट, मैं अमित सर को बहुत काफ़ी जानता हूँ, इनके भी इनका मुझे जिक्र काफ़ी साल से मुझे पता है प्रोजेक्ट के बारे में। मेरे अगर पर्सनल राइट प्रोजेक्ट के मैंने बोलूँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। और ये बात चाइल्ड सुसाइड 14 स्टेप्स जो मैंने देखे, आई थिंक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके भी मुद्दा वो समझो तो आई थिंक हम वो जो डायरेक्शन है कि ये चीज़ ना हो उसके तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने पूछा क्या ये जो चीज़ के बारे में नो हाउ वी कैन डू इट, अभी आपने पूछा क्या अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आई डू। मैं इस प्रोजेक्ट में इसलिए इन्वॉल्व हो रहा हूँ बिकॉज इंटरनेशनल फाइनेंस के साथ साथ जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, जो भी मूवी को मैं फंड कर रहा हूँ, इवेंट को मैं फंड कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ओशन 11 इनके साथ हैंड, यू नो वी आर गोइंग टू जस्ट हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर गोइंग टू ग्रो टुगेदर फॉर दिस इवेंट। मैं यही बोलूँगा कि ये प्रोजेक्ट को हम यहाँ शुरुआत क्या ही बट एंड तक हम काफ़ी अच्छे से उसको लेके जाएंगे सर। चलिए ओके विक्रांत जी, अब चलते हैं विक्रांत जी के पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे विंग्स टू बॉलीवुड, जो प्लेटफॉर्म आज आपने देने का एक और बड़ा फैसला किया है, जो आपने इतना बड़ा सराहनीय कदम उठाया है बच्चों को सुसाइड रोकने के लिए, आपने फिल्म भी बना दी, तो ये विंग्स टू बॉलीवुड की अगर बात करें तो किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है और किस किस को यहाँ पे मौका मिलेगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे इंटायर आज के इस इवेंट के बारे में। जी पहले चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि आज का ये जो मेरा इवेंट था, इस इवेंट ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, कि मैंने 15 दिसंबर को सारे मल्टीप्लेक्स में मेरी मूवी लगी थी और ओनली मुंबई सर्किट में ही इसको रिलीज़ किया गया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक का, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने काफ़ी वर्कआउट किया था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई बिकॉज ये कि फंडिंग की कमी और फाइनेंस की कमी के कारण हमें स्क्रीन्स नहीं मिल पाई थी। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर वो सोशल फिल्म मेकर को आएगी आगे चल के, और अगर इन सोशल फिल्म मेकर्स के लिए कुछ नहीं किया गया तो जो कॉस्ट रूट पे काम करने वाले जो मेकर्स है ये एक ना एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, कोई पहल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया द कमर्शियल प्लेटफॉर्म फॉर सोशल फिल्म मेकर्स, और हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि आप सिर्फ सोशल इशू पे फिल्में बनाओ, उनको रिलीज़ करने की जिम्मेदारी विंग्स ऑफ बॉलीवुड की है। उसकी सारी चीज़ें चाहे PNA, प्रमोशंस, ऑडियंस कहाँ से आएगी, इन सारी चीज़ों पर वर्कआउट किया जाएगा। इवन हमने इस चीज़ पर भी वर्कआउट किया है कि अगर कोई फिल्म मेकर सोशल इशू के साथ में अगर हमसे आके कंसल्ट करता है तो हम बताएंगे कि ये फिल्म का बजट क्या होना चाहिए, जो इस बजट के दायरे में अगर काम करता है तो सरकार से, NGO से और पब्लिक से किस तरह सपोर्ट लेके फिल्म के फाइनेंसर्स को सेव किया जा सकता है ताकि हम और मुद्दे ला सकें। रहा सवाल मेरे चिल्ड्रन सुसाइड मुद्दे का, ये तो मैं लास्ट 3 साल से कर ही रहा हूँ और मेरे आखिरी सांस तक मैं ये करता रहूँगा। अभी मैंने ये देखा कि काफ़ी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की, मैं काफ़ी स्कूल्स में जाता हूँ और बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चों को लिए कुछ यूनिक चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए। इसलिए मैंने BMC ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस और बॉम्बे सेक्रेटरी एसोसिएशन को लेटर लिखा, उन्होंने अपने डॉक्टर्स की मदद की और उनकी मदद से एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिस कोर्स का नाम रखा है पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन। और ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग जो ब्रेन की जा रही है ये निःशुल्क रूप से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मुंबई में अभियान किया जाएगा, जिसके अंदर ब्रेन की प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव किया जाएगा, लाइफ जिंदगी की रियलिटी से बच्चों को रूबरू कराया जाएगा। तीसरा चीज़ है कि डायलॉग्स और छोटे छोटे प्लेस के माध्यम से, डायलॉग्स के माध्यम से बच्चों के अंदर एक एंटी डिप्रेशन चीज़ें डेवलप की जाएगी, रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन जो गैप होता है मॉम डैड और बच्चों के बीच में उन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक तो चीज़ होती है कि जेनेटिकली मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स होना जिसको मेडिसिन से दूर किया जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जिंदगी की प्रॉब्लम्स से फेस करते करते जो डिप्रेशन आते हैं और चीज़ें सुसाइड तक पहुँचती है, उसके लिए हम लोगों ने ये बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च किया। अगला सवाल सर आपसे विक्रांत जी, कि एक अनदेखा सोच की अगर बात करें, सच की बात करें, तो वो कैसे जहन में आपके आया था इस प्रकार की फिल्में बनाना चाहिए और आपने आप बना दिया और रिलीज़ भी कर दिया, तो इन सब के बीच में अपने आप को कहाँ देखते हैं
कठिन था ये रास्ता, क्योंकि सोशल इशू आजकल अगर आप नाच गाना वाली फिल्म बनाते, कमर्शियल फिल्म बनाते तो लोग ज़रूर देखते, सुपरहिट भी हो जाती शायद, लेकिन इस फिल्म को उतना, जैसे भी आपने कहा कि प्यार नहीं मिला, तो लगता है ये कठिन रास्ता था। और कैसा रहा इंटायर रास्ता स्टार्ट से, जिस दिन से आपने सोच लिया था और रिलीज करने तक का? देखिए, चिल्ड्रन सुसाइड इस मुद्दे की अगर बात करें तो जब से मैंने इसकी शुरुआत की है तभी से आज तक मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, लेकिन उसको प्रॉब्लम का रूप नहीं, नाम नहीं दूंगा। रीज़न ये है कि जब भी आप किसी रास्ते पे, जो सच्चाई का रास्ता है उसके ऊपर आप चलते हो ना, तो आपको सेक्रीफाइस, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि दोस्ती एक बहुत खूबसूरत शब्द है, दोस्ती, प्यार, लेकिन आप सच्ची दोस्ती करो आपको प्रॉब्लम फेस करने है, सच्चा प्यार करो आपको प्रॉब्लम फेस करने है। तो मैंने समाज की प्रॉब्लम्स और ये जो बच्चों की समस्या है इनसे मैंने सच्चा प्यार किया है। प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। ओके, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कुछ इंटायर, मतलब अगला क्या कुछ कदम होगा और क्या प्री प्लान चल रहा है अगला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगली मेरी एक मूवी है जो अभी नेक्स्ट मंथ की तौर पर जा रही है, जिस मूवी का नाम है चार शब्द, जिसके अंदर मैंने एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया है, पॉन एडिक्शन, जो पॉन की दुनिया की बढ़ती लोकप्रियता है, किस तरह लोगों की शारीरिक, मानसिक और सोशल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। और इस फिल्म के अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि इस मूवी के अंदर इतना बोल्ड सब्जेक्ट होने के बावजूद आपको बोल्डनेस दिखाई नहीं देगी, लेकिन ग्रोथ करी है। जैसे कि इंडिया नंबर 13 पे था, आज नंबर 2 पे आ चुका है गूगल सर्च इंजिन में। तो ये किस तरह लोगों की मानसिकता होती जा रही है, बच्चों के चाइल्ड रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर मेरी नेक्स्ट मूवी है। अच्छा, तो कौन होगा इसका कुछ कलाकार आपने डिसाइड किया? क्या राखी सावंत हो सकती है इसका? किसी कलाकार के नाम से तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इनके अंदर भी मैंने अपने नए जो मेरे इंस्टीट्यूट्स हैं मुंबई में, मेरे 4 ब्रांचेस हैं, मुलुंड, अंधेरी, दादर, घाटकोपर, और यहाँ के ब्रांचेस के से मैं 2 स्टूडेंट्स को लॉन्च करने जा रहा हूँ। और रहा सब सिंगर्स का, सारे बड़े सिंगर्स हैं, मोहम्मद इरफान, दीपाली साठे, देव नेगी, नका जदीस, ये सारे सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी है, और बाकी काफ़ी लोग हैं। और विंग्स टू बॉलीवुड में जो आर्टिस्ट एक्टिंग का कोर्स सीख रहे हैं उसका क्या है? ये एक्टिंग का कोर्स जो है विंग्स टू बॉलीवुड एक्टिंग जोन, एक विंग्स टू बॉलीवुड के 4 सेक्शंस हैं। एक में है कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे हम लोग ने सर्टिफाइड फैकल्टी रखी हुई है, और इस कोर्स को हम लोग बहुत मिनिमम रेंज में हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है, ताकि वो सारे गरीब स्टेट से आने वाले जो आर्टिस्ट है उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। विंग्स आउट प्रोडक्शन हाउस है जिसके जरिए हम लोग सिर्फ सोशल इशू पर ही फिल्में बनाएंगे आगे। और तीसरी चीज़ है विंग्स आउट फाउंडेशन, जिसमें हम लोग सोशल इशूज पर अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं। और विंग्स आउट का फिल्म प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया है हम लोग ने, इसकी लॉन्चिंग आज से आपके सामने शुरुआत हुई है, जिसमें हम लोग ओनली सोशल इशू पे जो फिल्में बनेगी उनके लिए फंडिंग की जाएगी PNA के लिए। चलिए आखिरी सवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आज यहाँ पे आप सपोर्ट करने आए थे, आप लोगों को कैसे, उनका क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं इनका तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सारे लोगों को सुन रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।